नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां अमेठी कोतवाली पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 71 ड्रम शराब व 232 पेटियों में 6336 सीसी शराब बरामद की है, जिसकी कुल कीमत 19,48,800 रुपए है। इस संबंध में अमेठी के एसपी दिनेश सिंह ने मीडिया को बताया कि सीओ पीयूष कांत राय ने नेतृत्व में अवैध अपमिश्रित शराब की बिक्री के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई। आप देख रहे हैं अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शराब बनाने की फैक्ट्री भंडाफोड़, कितने लोग गिरफ्तार हो, क्या क्या माल बरामद? पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा इस समय अपमिश्रित शराब के विरुद्ध पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है, जिसके क्रम में हमारी टीमें भी सक्रिय थी और आज हमें एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें कि हमने अवैध अपमिश्रित शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में अवैध अपमिश्रित शराब मिली, जिसमें 71 ड्रम, 232 पेटियां, कुल मिलाकर 6336 शीशी, कुल 5568 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, जिसकी कीमत करीब 19,48,000 रुपये है, 1850 खाली शीशी, 1350 रैपर। ये रैपर जो है वह ऑरेंज और 888 इन कंपनियों के रैपर हैं। इसके अलावा हमको 1355 बार कोडेड लेबल्स मिले, 6 डिब्बी कलर, 1750 ढक्कन, 75 खाली गत्ते और वगैरह वगैरह सामान, बलेरो वाहन और एक अदद अपाचे भी मिली। इसमें जो अभियुक्त प्रकाश में आए, इसमें हमारा गिरफ्तारी जो हुई, राजेश कुमार अग्रहरी, अर्जुन नागेंद्र वर्मा, शुभम अग्रहरी और रमेश कुमार अग्रहरी, ये गिरफ्तार हुए और इसमें से 3 अभियुक्त जो हैं ये छत पर थे और अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये पुलिस पर फायर करके भागने में सफल रहे, जिनके पीछे हमारी टीमें इस समय लगी हुई और हमको यथाशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें पुलिस अभी अपना अनुसंधान को जारी रखेगी और हम वहाँ तक पहुँचेंगे जो इस पूरे व्यापक संगठित अपराध के पीछे लोग हैं, सबका पर्दाफाश करेंगे और यथाशीघ्र हम इसमें और बरामदगियाँ और अभियुक्तों को प्रकाश में लाएँ और इनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। और जिस टीम ने ये, हमारी एसओजी टीम की ये बड़ी सफलता है, इसमें मुख्य रूप से जो क्रेडिट है वो एसओजी टीम का है, जिसने अधिसूचना विकसित करी, तो मैं एसओजी टीम को अपनी 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करता हूँ। ये कब से कारोबार चल रहा था और कहाँ इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये स्थायी रूप से काम नहीं करते हैं एक जगह पर, इनके पास जो ये चेंज करते रहते हैं किसी भी अबेंडेंट बिल्डिंग में, किसी भी जगह पर, ये एक स्थान पर रहकर कार्रवाई नहीं करते, ये छोटे छोटे वाहनों से सप्लाई करते हैं। इस संदर्भ में मैंने एक्साइज विभाग से भी समन्वय किया है कि इनका जो खपत करने का ढंग है, उस संदर्भ में हम अनुसंधान कर रहे हैं कि क्या ये कैसे इसको बेचते हैं। इसमें ये छोटे छोटे वाहनों से गांवों में पहुंचा देते हैं और वाहन भी क्या करते हैं कि किसी का किराए पर ले लेते हैं और उसके माध्यम से करते हैं, मतलब ये अपनी तरफ से बहुत चालाकी के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने इसमें पूरी अभिसूचना विकसित करके आज इनका ये एक गिरोह ध्वस्त किया है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी, ये अभी जारी रहेगी अनुसंधान। इसमें हम लगातार अपनी अभिसूचनाएं संकलित कर रहे हैं, लगातार ऐसे लोग जो इस प्रकार के धंधे में लिप्त हैं, जो व्यापक रूप से लोक स्वास्थ्य के लिए और अपराध निरोध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके इन रैकेट को ध्वस्त किया जाए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये प्रक्रिया जारी रहेगी और अमेठी जनपद में अपमिश्रित शराब बचने वालों की खैर नहीं।